प्रसन्नता की बात है कि हमारा मंदसौर जो कृषि के उत्पादन में मध्य प्रदेश का गौरव है, यहाँ के परिश्रमी किसान, यहाँ के मेहनती किसान लगातार प्रदेश का मान बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य खेती को लाभ का धंधा बनाना, और इसलिए एक तरफ जहाँ क्रॉप पैटर्न चेंज करने की हम कोशिश कर रहे हैं, बेहतर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि मंदसौर ज़िले में, नीमच ज़िले में पानी सिंचाई का आय, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कई सिंचाई की हमारी योजनाएं बनी है, उधर गांधी सागर से भी पानी ला रहे हैं। तो एक तो बेहतर पानी की व्यवस्था, और पानी पीने का भी चाहिए, क्योंकि ये मेरा मंदसौर ज़िला है और नीमच ज़िला ऐसा है जहाँ हज़ार हज़ार फिट नीचे ज़मीन में पानी चला गया। यस, तो नर्मदा का पानी भी, चंबल का पानी भी आए, उसकी कोशिश जारी है। लेकिन पानी के साथ साथ हमारा जो कृषि उत्पाद है उसका वैल्यू एडिशन होना चाहिए। मतलब कच्चे माल को प्रोसेसिंग करके उससे चीज़ें बने, तो इसलिए फूड प्रोसेसिंग की ज़रूरत है। और एक मेगा फूड पार्क दलौदा के पास हमारे मंदसौर ज़िले में स्वीकृत हुआ है। उसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि किसानों का जो कृषि उत्पाद है उसकी प्रोसेसिंग यहाँ पे होगी, तो किसानों को ठीक दाम मिलेगा, बच्चों को रोज़गार मिलेगा, और मेक इन एमपी का जो हमारा सपना है वो सपना साकार होगा। और अब सोने में सुहागा ये है कि इंडस्ट्री अगर लाना है तो हर एक इंडस्ट्रिस्ट चाहता है कि जो कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी, हवाई सुविधा कोई ऐसी हो कि आने जाने में कम वक्त लगे। मुझे कहते हुए हर्ष है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी हवाई पट्टी अगर कहीं बनी है, यहाँ मंदसौर में बनी है, और आज उसका अनौपचारिक उद्घाटन भी हो गया है। जी जी। तो इस हवाई पट्टी है ना, माने हवाई पट्टी में आप ये ना माने कि ये बड़े लोगों के लिए है, बल्कि ये औद्योगिक विकास के लिए ज़रूरी है। ऐसा समय भी आएगा कि किसानों को अपने कृषि उत्पाद अगर एक्सपोर्ट करने हैं तो इस हवाई पट्टी का उपयोग होगा। इसलिए मंदसौर जिला तेज गति से प्रगति और विकास की तरफ बढ़ रहा है, न केवल कृषि क्षेत्र के उद्योग बल्कि बाकी उद्योग आए, इसका भी हम लोग टारगेट दिया। मैं ओपनली कहता हूँ, नीमच हो, मंदसौर हो, अपराधियों को क्रश कर दो, ये मैंने निर्देश दिए हैं। कोई दादागिरी नहीं चलेगी, गुंडागिरी नहीं चलेगी, माफिया पूरी तरह से ध्वस्त किए जाएंगे।